नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि प्लानिंग एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहीं भी यूज़ करोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, चाहे फिर वो अच्छा काम हो चाहे वो गलत काम हो। पर गलत काम करने वालों के लिए ज़रूर एक शब्द है प्लानिंग, पर वो प्लानिंग के बाद कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं सबूत के तौर पर, जिसके बाद उनकी वो प्लानिंग अनसक्सेसफुल बहुत जल्दी हो जाती है। आपको बता दिया जाए, आज की सच्ची घटना जो निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास, एक थाना क्षेत्र है बेलगांव, वहाँ से। यहाँ पर एक महिला, एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के शरीर के साथ, सिर्फ शरीर के साथ, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उस शरीर के साथ करीब 12 से 13 घंटे तक बिता दिए, और बिताने के बाद उस शरीर से लड़ाई भी करी, सोई भी उस शरीर के साथ, जिसके बाद जब सच सामने आया तो पूरा देश संग रह गया। ये सच्ची घटना जो है, इसकी शुरुआत होती है 6 सितंबर की सुबह 10 बजे से। 6 सितंबर की सुबह 10 बजे ग्वालियर के पास थाना क्षेत्र है बेलगांव, वहाँ के थाने में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है। इंस्पेक्टर भी देखते रह जाते हैं कि आखिरकार ये महिला को हुआ क्या है, ये महिला क्यों रो रही है इतना ज़्यादा। महिला इंस्पेक्टर से रोते रोते कहती है कि मेरे पति 2 दिन से घर नहीं आया है, उनको ढूंढिए, वो कहाँ पर है, अगर वो नहीं आए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं इनकी परवरिश कैसे करूँगी, और उनको ढूंढिए इससे पहले कि उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, उनको ढूंढ के लाइए। अब ये बातें सुनने के बाद पुलिस ने उनको आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी ढूंढेंगे आपके पति को, आप टेंशन मत लीजिए, अब घर जाइए, हम ढूंढ के लाते हैं। ये बात बोलने के बाद पुलिस अपने काम पे नहीं लगती है, पुलिस ने इस पूरे मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो महिला पुलिस पर विश्वास करके घर चली गई, और एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद भी वो महिला आती है थाने, फिर यही बोलती है, फिर पुलिस आश्वासन देती है और महिला घर चली जाती है। इस पूरी बातों को कहा जा रहा है कि करीब 6 सितंबर के बाद 15-20 दिन बीत जाते हैं, जिसको पता लगा कि वो महिला का नाम बसंती है और उनके पति का नाम बताया जा रहा है कि परीक्षित है, जिसकी उम्र 30 वर्ष की है। जिसके बाद ये पता लगता है कि इस पूरे मामले में 15-20 दिन निकल जाने के बाद भी कुछ भी बाहर नहीं आता है। अब 6 सितंबर को जिस दिन पहली बार महिला थाने में पहुंची थी रिपोर्ट करवाने, जो कि थाना बताया जा रहा है कि बेलगांव थाने क्षेत्र में है, यहाँ पर रिपोर्ट करवाने पहुंची थी, उसी दिन कहा जा रहा है कि एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम थिनौर छाना क्षेत्र है, थिनौर छाना क्षेत्र के पास एक कहा जा रहा है कि पुरानी नहर है, पुरानी नहर के पास एक शरीर बरामद होता है, पर ये जिनको बरामद होता है वो दूसरे थाने की पुलिस होती है, मतलब थिनौर थाने क्षेत्र की पुलिस होती है। अब यहाँ पर एक शरीर बरामद होता है जो पुरानी नहर के पास बरामद हुआ, और ये बरामद होने के बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस शरीर को पीएम के लिए भेजा, पीएम रिपोर्ट बाहर आती है तो पता लगता है कि ये शरीर जो मिला है, ये जो भी शख्स है, इसका साथ जो कुछ हुआ है वो पानी में डूबने से नहीं हुआ, इसके साथ जबरन ये सब किया गया है, मतलब इसकी हत्या की गई है, और इसके शरीर के जो हड्डियां हैं उसको भी तोड़ा गया है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस संग रह जाती है कि आखिरकार कोई ऐसा क्यों करेगा और ये शख्स है कौन। पुलिस थोड़ी सी कार्रवाई करती है वहाँ की, पर पता नहीं लग पाता ये शख्स कौन है। पर दूसरी साइड जो बेलगांव की पुलिस थी, उनको रिपोर्ट 6 सितंबर को करवाई गई थी कि एक आदमी मिसिंग है जिसका नाम परीक्षित है, पर आपको बता दिया जाए जो थिनौर छाना क्षेत्र में पुरानी नदी के पास, पुरानी नहर के पास एक शख्स मिलता है वो परीक्षित ही होता है, पर ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि जो बेलगांव की थाने की पुलिस थी उन्होंने किसी से संपर्क ही नहीं किया, और अगर वो संपर्क ही नहीं करेगी तो उसको पता कैसे लगेगी कि जिसकी वो तलाश करने वाली है या जिसकी तलाश के लिए कंप्लेन लिखी गई है वो शख्स 6 सितंबर को ही या उससे पहले ही ये दुनिया छोड़ चुका है। पर इसी बात को लेकर बहुत टाइम बीत जाता है, और करीब एक महीना बीतता है, 40 दिन बीतते हैं, 48 दिन बीत जाते हैं, पर उस शख्स का कोई पता नहीं लगता। वो महिला आज भी थाने आ रही है, 48 दिन हो चुके हैं, महिला थाने आती है, पूछती है पति कहाँ है, पर फिर से पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपके पति को। इसी के बीच जो बेलगांव थाना पुलिस थी, उनके इंस्पेक्टर की नज़र उस महिला के 2 मोबाइल पर जाती है। वो इंस्पेक्टर पूछते हैं, आपके पति को तो हम ढूंढ रहे हैं, पर ये 2 मोबाइल आपके हाथ में, ये 2 मोबाइल किसके हैं। जिसके बाद वो महिला जो बसंती थी वो कहती है, दोनों मोबाइल मेरे हैं, वो दोनों मोबाइल ड्यूल सिम वाले थे, मतलब एक के अंदर 2 सिम डलती है, तो 2 के अंदर 4 सिम डलती थी। पुलिस ने वो मोबाइल लिया उनसे, मोबाइल लेने के बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही मोबाइल को उल्टा करके देखा तो एक कवर था, बैक कवर को हटाया तो अंदर सिम मिली है। टोटल 2 मोबाइल के अंदर 11 सिम मिली पुलिस को। पुलिस का शक पैदा हुआ कि आखिरकार 2 मोबाइल, 11 सिम इस महिला के पास, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने उस सारी सिमों को भेज दिया उसके सीढ़ियाँ निकालने के लिए। जब उनकी सीढ़ियाँ निकलती हैं तो कहा जा रहा है कि 10 सिम तो बिल्कुल सही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। एक सिम में कुछ ऐसा मिलता है पुलिस को, जिसके बाद ये मामला खुलने वाला था, सच्चाई बाहर आने वाली थी। पुलिस ने कहा जा रहा है कि जब एक सिम को खंगाला, सीढ़ियाँ निकाला, तो उसमें एक शख्स का नाम मिला, मनीष।
उससे बहुत ज़्यादा बातें होती थी। पुलिस ने मनीष को बुलाया और उसके बाद जो मनीष अपना फ़ोन लेके आया उसके सिम का भी सीडिया निकाला गया। सीडिया निकलने के बाद मनीष के फ़ोन से एक नंबर निकला जिसका नाम था रविंदर कुमार। रविंदर कुमार का जब नंबर बाहर आता है तो इन तीनों को बुलाया जाता है थाने में। इन तीनों को आमने सामने बैठाया जाता है तो पता लगता है कि बसंती के साथ जो मनीष बातचीत होती थी मनीष की, उस मनीष की उम्र 20 वर्षीय है, बसंती की उम्र 30 से 31 साल है, मतलब 10-11 साल का फ़र्क है इनकी उम्र में। बसंती बड़ी थी। अब पुलिस कहती है तुम्हारा रिलेशन क्या है तीनों का। पुलिस पहले प्यार से पूछती है, ये लोग आराम से जवाब देते हैं और घुमा फिरा के जवाब देते हैं। पुलिस फिर से सवाल पूछती है, फिर से घुमाते हैं पुलिस को, फिर पुलिस शक्ति दिखाती है तो ये लोग लाइन पर आ जाते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि बसंती सबसे पहले टूटती है, जहाँ पर 6 सितंबर को पहली बार बसंती रिपोर्ट करवाने आई थी तब बसंती प्यार वाले आंसू निकाल रही थी, अब बसंती गुस्से वाले आंसू निकाल रही है। इसके बाद पुलिस ने देखा कि बसंती के चेहरे पे गुस्सा बहुत है, वो रो रही है, वो टूटी जरूर है पर वो गुस्से वाले जो कह सकते हैं हम आंसू थे उसकी आंखों में गुस्सा। ये देखने के बाद पुलिस के सामने जब बसंती ने बातें बताई तो पता लगा कि बसंती कहती है कि मेरा पति था जो वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, शराब पीता था, मुझे पीटता था, मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मैं कब तक सहन करती। बसंती ने कहा कि इस पर मैंने कसम खाई थी कि मैं अपना करवा चौथ अपने पति के लिए नहीं रखूंगी, मैं किसी और के लिए रखूंगी, और ये कसम उसने पूरी भी करी। क्योंकि कहा जा रहा है कि बसंती ने पुलिस के सामने बताया कि जब वो शख्स मुझे पीटता था, ऐसे मेरी हरकतें करता था, तो मेरा मन उससे भर चुका था, मैं कब तक सहन करती। इसके बाद कहा जा रहा है कि बसंती के मोहल्ले में रहने वाला मनीष नामक लड़का था, इसने एक बार बसंती की चोटें जो बसंती के चेहरे पे और माथे पे चोट लगी थी उसके बारे में पूछा कि आपकी चोट कैसे लगी है। बसंती को उसी मनीष के अंदर अपना शिद्दत वाला प्यार मिल गया और बसंती धीरे धीरे दोस्ती हुई। बसंती और मनीष की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, प्यार सीधा सीधा लिविंग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो बसंती के पति थे परीक्षित, जिसकी उम्र 30 वर्षीय थी, वो घर के बाहर होता था तो फिर मनीष और बसंती घर के अंदर होते थे, जब परीक्षित घर के अंदर होता था तो मनीष बाहर होता था, ये सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद ये प्यार इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने प्लानिंग करी कि अब परीक्षित को हम बहुत दूर भेजने वाले हैं। 4 सितंबर की रात को कहा जा रहा है कि जो बसंती थी इसने अपने दोनों बच्चों के मोबाइल में 2 मोबाइल दे दिए और मोबाइल देने के बाद बोला तुम लोग गेम खेलो, पिक्चर देखो, पर दूसरे कमरे में बैठकर ये सब करो। जिसके बाद मनीष उसी घर में छुप गया, बसंती वहीं पर थी और साथ में उनका पति जो परीक्षित शराब पी के घर आता है। घर आने के बाद कहा जा रहा है कि वो जैसे ही पलंग में लेटता है उसी टाइम पर जो बसंती उसकी पत्नी थी वो उसके छाती पर बैठ के उसके गले को प्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब देखते हुए मनीष परीक्षित के मतलब उस महिला के पति के पैर पकड़ लेता है ताकि वो बच ना पाए। और ये सब चीज़ें होती रहीं और होने के बाद वो शख्स परीक्षित बहुत दूर चला गया क्योंकि वो ड्रिंक करके आया था, वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद मनीष जैसे ही घर के बाहर निकलता है उनके दोनों बच्चे उस कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो उनकी माँ है वो साइड में बैठी है, पिता है वो लेटे हुए हैं, क्योंकि उसी टाइम पर जो महिला थी बसंती वो अपने पति परीक्षित को ऐसी लटा देती है कि उनको बच्चे को लगे कि वो सो रहे हैं और बच्चों को बोलती है कि हमारे पापा सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, उनको सोने दो, कल बात करेंगे। ये बोलकर बच्चों को भी वहीं सुलाती है, खुद भी वहीं सोती है। मतलब रात पूरी रात उसने उस पति के साथ गुजारी, उस शख्स के साथ गुजारी जिस शख्स का अब सिर्फ वो शरीर ही रह गया था, एक मिट्टी रह गई थी और कुछ नहीं था उसके अंदर। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुबह होती है वो अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, तब भी वो शरीर वहीं पर ही था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसने अपना गुस्सा उतारने के लिए उस अपने पति के उस शरीर के साथ गुस्सा उतारा और उसके साथ बहस करी कि तुम मुझे क्यों पीटते थे, जवाब दो, ये सारी चीज़ें बोलती रही पर वो जवाब कैसे देता क्योंकि वो इस दुनिया में था ही नहीं। इसके बाद ये सारी चीज़ें होती रहीं, करीब इसको 24 घंटे के आसपास होने वाला था, पर उससे पहले ही 5 अक्टूबर की रात 11 बजे 4 अक्टूबर को सब कुछ अंजाम दिया गया, 5 अक्टूबर की रात 11 बजे कहा जा रहा है कि बसंती का जो साथी था, जो प्रेमी था मनीष, वो अपने दोस्त रविंद्र कुमार को लेकर आता है बाइक में और उसके बाद ये दोनों इस शरीर को ले जाने की कोशिश करते हैं पर शरीर अकड़ चुका था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इनकी जो हड्डियाँ थी परीक्षित की वो तोड़नी शुरू करी, क्योंकि वो अगर तोड़ते तभी कहा जा रहा है कि वो बैठा पाते जैसे एक नॉर्मल इंसान बाइक में बैठता है। तो ये सब करने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने बाइक में बैठाया और जो पुरानी नहर थी उसके पास ले जाने की कोशिश करी, जो कि कहा जा रहा है कि चिनौर थाना क्षेत्र में पड़ती थी, पर जाने से पहले कई बार ये लोग गिरते हैं क्योंकि वो शरीर फिसल रहा था और ये लोग बार बार बाइक से टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। पर ये जाते ही जब वहाँ पर नहर के पास जाकर इस शरीर को रखते हैं या फिर फेंकते हैं तो कहा जा रहा है कि उस दिन वहाँ नहर तो थी पर ज़्यादा नहर उस शरीर को आगे ले जा नहीं पाई और वो शरीर एक जगह जाकर टिक गया, अटक गया।
और उसके बाद वहाँ की पुलिस को शरीर मिलता है। शरीर मिलने के बाद पुलिस ने इसका पीएम करवाया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो बेलगांव की पुलिस थी उन्होंने चिनौर की पुलिस से संपर्क किया तो पता लगा कि हाँ 6 सितंबर को ही हमको शरीर मिल गया था, आप संपर्क नहीं कर रहे थे तो हमको पता नहीं था ये शरीर किसका है और ये कहाँ से मिसिंग है। पर बाद में कहा जा रहा है कि सच्चाई बाहर आई तो पुलिस ने संपर्क किया एक दूसरे को और उसके बाद इन तीनों की भी असलियत बाहर आ गई। और कहा जा रहा है कि वो महिला ने करवा चौथ किसके लिए रखा, मनीष के लिए रखा इस साल का। तो सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती तो मुझे लगता है कि ये मामला 6 सितंबर को ही सॉल्व हो जाता, क्योंकि इस मामले को सॉल्व होने में 52 दिन लगे, 52 डेज, 1.5 महीने का ऊपर वक्त लग गया, उसके बाद जाकर ये पूरा मामला सॉल्व हो पाया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर हम ऐसे केस रजिस्टर्ड करवाते हैं जिस तरीके की महिला ने केस रजिस्टर्ड करवाए हैं, इसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी, देरी जरूर हुई पर सच बाहर जरूर आया, और इस महिला और इन दोनों लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि ये घटना आप तक तो पहुंचाने का सिर्फ एक ही यहाँ पर मकसद है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, विश्वास करने से पहले 100 बार सोचिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।